नाजरीन आदाब, VSM प्राइम में आपका स्वागत है। मैं हूं आपकी होस्ट अनाया। आइए देखते हैं हमारे संवाददाता एनुल हक शेख द्वारा भेजी गई भिवंडी की एक खास रिपोर्ट। आज समाजवादी पक्ष से भिवंडी के पूर्व विधायक रईस कासम शेख ने आगामी विधानसभा चुनावों के लिए अपना नामांकन दाखिल किया। इस मौके पर उन्हें समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता अबू आसिम आजमी और कई बड़े राजनीतिक दिग्गजों का समर्थन प्राप्त था। नामांकन का जुलूस भिवंडी के KGN चौक से शुरू होकर शांति नगर, गैबी नगर और जकात नाका होते हुए प्रांत कार्यालय पहुंचा। बड़ी संख्या में लोग, जिनमें ऑटो रिक्शा यूनियन के नेता काजी कमरुज्जमा, रीड होलसेलर जहीरुद्दीन काजी और पूर्व कॉरपोरेटर फारूक शेख शामिल थे, इस रैली में मौजूद थे। उन्होंने भिवंडी की जनता को इस मौके पर जुड़ने का आमंत्रण दिया था, जिसका नतीजा आज हजारों की भीड़ के रूप में देखने को मिला। रैली में नामांकन भरने तक का माहौल जोश और उत्साह से भरा हुआ था। राष्ट्रवादी पार्टी के बलिया मामा, कांग्रेस के काशीनाथ त्वरे और समाजवादी पार्टी के अजय यादव ने भी जनसमूह को संगठित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। ये था आज का खास अपडेट भिवंडी से, जहां समाजवादी पक्ष से पूर्व विधायक रईस कासम शेख ने जनता के अपार समर्थन के साथ अपना नामांकन दाखिल किया। महाविकास आघाड़ी के सभी प्रमुख नेता, कार्यकर्ता, सभी से निवेदन है, कल सवेरे 11 बजे महाविकास आघाड़ी की ओर से भिवंडी पूर्व से रईस शेख साहब फॉर्म भरने के लिए जा रहे हैं। मेरा सभी से निवेदन है कि सवेरे 11 बजे KGN चौक से रैली शुरू हो जाएगी और प्रांत ऑफिस में जाके अपन नामांकन भरने वाले हैं। सभी कार्यकर्ता से निवेदन है, आप सभी ज़्यादा से ज़्यादा संख्या से उपस्थित रहे, यही मेरा निवेदन है। धन्यवाद।